मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स का सीज़न 1 हिंदी में डब्ड हो चुका है, यानी कि अब आप इसको हिंदी में देख सकते हो। और मैं आपको बताने वाला हूँ ये सीरीज़ कैसी है और आपको इसे देखना चाहिए या फिर नहीं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पर अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो और आप भी मॉन्स्टरवर्स के फ़ैन हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बगल में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मॉन्स्टरवर्स से रिलेटिव मेरी नई वीडियो सबसे पहले मिले। मोनार्क लेगेसी और जो मॉन्स्टर्स ये सीरीज़ है, ये पूरी सीरीज़ मोनार्क पर फोकस करती है एक तरीके से। आपको इसमें टाइटन्स भी देखने को मिल जाएंगे पर कुछ समय के लिए, क्योंकि इसमें मेन फोकस ह्यूमंस है सबसे ज़्यादा। मैं पहले उन चीज़ों के बारे में बात कर लेता हूँ जो मुझे इसमें अच्छी लगी। इसकी स्टोरी कौशला 2014 के बाद की, यानी कि इसकी स्टोरी 2015 में चलती है। इसकी स्टोरी भी काफ़ी अच्छी, क्योंकि इसमें दो अलग अलग टाइम लाइन्स को एक साथ दिखाया जाता है, 2015 और 1954, यानी कि आपको बीच बीच में 2015 की स्टोरी देखने को मिलेगी और 1954 की। इस स्टोरी में टाइटन्स की सीजीआई काफ़ी अच्छी है, हर टाइटन काफ़ी रियल लगता है। और स्कल आइलैंड मूवी में जो हमने कैरेक्टर देखा था विल्स रेंडा, वो भी इस कहानी में दिखाई देता है। 1973 में वो थोड़ा बूढ़ा हो गया था और 1954 में उसका कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा जवान था, जो देखकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगा, क्योंकि विल्स रेंडा इस कहानी का मेन कैरेक्टर था और साथ में उसकी स्टोरी को भी काफ़ी अच्छी तरीके से दिखाया गया है। इस सीरीज़ में आपको एक साइंटिस्ट भी देखने को मिलेगी जिसका नाम है कैको। कैको का एक बेटा भी है जिसका नाम हिरोशी है। इसमें हिरोशी के आपको एक बेटा और एक बेटी देखने को मिलेगी। बेटी का नाम है केट और बेटे का नाम है केंतारो। फ़र्क इतना है कि इसमें हिरोशी ने दो शादी करी होती है, यानी कि केट और केंतारो दोनों की माँ अलग अलग है। और दूसरा इस कहानी का एक और मेन कैरेक्टर जिसका नाम है लीसो। लीसो के आपके दो वर्जन देखने को मिलेंगे, एक 1954 और दूसरा 2050। दोनों कहानियों के कैरेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, यानी कि आप लोगों को ये सीरीज़ कहीं भी बोरिंग नहीं लगेगी और मज़े से आप देख सकते हो सीरीज़ को। और हाँ, अगर आपको इस सीज़न में सिर्फ मॉन्स्टर्स देख रहे तो आप बोर हो सकते हो। इस सीरीज़ में आप लोगों को कॉर्सला के अलावा और भी बहुत सारे न्यू टाइटन्स देखने को मिलेंगे। आप लोगों को होल अर्थ के बारे में और भी नई इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चलेंगी और साथ में आप लोगों को टाइम ट्रैवल का कंसेप्ट इसमें समझाया जाएगा। यानी कि आपने सही सुना, मॉन्स्टरवर्स में टाइम ट्रैवल एग्जिस्ट करता है और इसमें काफ़ी अच्छी तरीके से टाइम ट्रैवल का कंसेप्ट समझाया है। आप इस सीरीज़ की एंडिंग में सीज़न 2 को देखने के लिए अपने आप को रोक नहीं पाओगे। आपको बस एक ही चीज़ लगेगा, सीज़न 2 कब आएगा और कैसा होगा इसका, क्योंकि सीज़न 1 काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है देखने में और सीज़न 2 भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार रहेगा। ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी करती है आपको। अब इस सीरीज़ की थोड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। इस सीरीज़ में जो लीसो का यंगर और ओल्डर वर्जन आपको देखने को मिलता है, वो दोनों रियल लाइफ में सन एंड फादर हैं। 1954 में बेटे ने प्ले करा कैरेक्टर और 2015 में फादर ने प्ले करा कैरेक्टर। अब इस चीज़ की नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं जो इस सीज़न में सबसे ज़्यादा बेकार थी। इस सीज़न में हमें कहीं भी कॉडला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स और कॉडला वर्सेस कॉन्ग के कैरेक्टर्स हमें दिखाई दिए ही नहीं। और दूसरी बात ये भी थी कि इस सीज़न में कॉडला के सीन्स काफ़ी कम थे। हर एपिसोड में कॉडला को सिर्फ 2 मिनट का टाइम मिलता था और हमने बस एक ही एपिसोड में कॉडला को एटॉमिक ब्रेड चूज़ करते हुए देखा, बाकी किसी एपिसोड में नहीं। और कुछ सीन्स तो ऐसे भी थे जो सिर्फ सीज़न को लंबा करने के लिए थे, उनका कुछ काम नहीं था इस सीज़न में। पर ओवरऑल ये सीज़न काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। इस सीज़न को मैं 10 में से 7.5 मार्क्स दूंगा। आप बताइए आप कितना देना चाहते हैं इस सीज़न को। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आप मॉन्स्टरवर्स के फ़ैन हैं तो हमें जैसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मॉन्स्टरवर्स से जुड़ी इस पर और भी नई वीडियोस आती रहती हैं। ठीक है गाइस, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।